जो तो आज मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर वाले कई दिन से बहुत परेशान थे, सर फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर कब बनाएंगे। दूसरा, बहुत सारे सवाल जवाब हैं बच्चों के, पता है मुझे, एग्ज़ाम का टाइम है तो सवाल जवाब होते हैं, है ना। बहुत सारे कन्फ्यूज़न, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब हैं। देखो, तो जैसे आपसे कोई सवाल पूछा जाए और आप उसका गूगल पे डालो तो लगभग सैकड़ों की संख्या में उसके जवाब निकल के आते हैं, है ना, अलग अलग साइट पे। लेकिन सारे जवाब सही नहीं होते, कुछ ऑथेंटिकेटेड साइट होती हैं जहाँ से आपको सही जवाब मिलते हैं। मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं कि बाकी यूट्यूब वाले झूठ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, सबके अपने अपने सोर्स हैं, ठीक। लेकिन होता क्या है कि जब भी सुनो ये देखो कि कहाँ के किस बोर्ड के बारे में बात की जा रही है। महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में बात की जा रही है, एमपी के बोर्ड के बारे में बात की जा रही है, उत्तराखंड के बोर्ड के बारे में बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के बोर्ड के बारे में बात की जा रही है। ये देखो, आप लोग क्या करते हो, खाली डेट देख लेते हो, हाँ 7 जून से है एग्ज़ाम की डेट आ गई, या 20 अप्रैल से एग्ज़ाम की डेट है, तो इन चीज़ों को लेके बहुत सारे सवाल पूछते हो। और मैं अपने जो भी मॉडल पेपर सब में मैं एक ही बात बोलता हूँ, यूपीबीटी बोर्ड का 15 जून से है एग्ज़ाम अभी तक, है ना, अभी तक डेट चेंज नहीं हुई है और चेंज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। देखो, क्या डेट शीट वगैरह पे, क्या मेरे पास क्या समय बहुत कम रहता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक और चैप्टर्स सब्जेक्ट, मैंने पहले सिर्फ केमिस्ट्री बनाता था, अब HAP और फार्मास्यूटिक्स भी शुरू कर दिया हूँ, है ना, तो समय कम रहता है, तो इन टॉपिक्स पे वीडियो मैं नहीं बना पाता। लेकिन जब भी कुछ ज़रूरी सूचना होगी वो मैं किसी न किसी माध्यम ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। बहुत सारे बच्चों का आज भी कम से कम 10 से 12 बच्चों का, सर एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो बेटा जी 15 जून से आप अपनी तैयारी कर लो, 15 जून से आपके एग्ज़ाम है, ठीक। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी सुनो, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, अलग अलग जगह से पढ़ के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, बाकी आप स्वतंत्र हो, इंटरनेट फ्री है, कोई भी चैनल आप एक्सेस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक। जिसको पसंद आता है मेरा चैनल, मेरे चैनल पर रहो, नहीं पसंद आता है तो भाई जाहिर सी बात, किसी ने बॉन्ड नहीं भरा, ना आपने बॉन्ड भरा है कि मैं आपका चैनल देखूंगा, है ना, ना मैंने कोई फॉर्म साइन करवाया है किसी से। अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है, इन्फॉर्मेशन सही लगती है, आप मेरे चैनल से जुड़ो और दूसरे लोगों को भी जोड़ो, राइट। मैं यही कहता हूँ सबसे, जो भी कहता है मैं उसको शेयर लिंक का तभी बोलता हूँ जब उसको चैनल पसंद आता है, ठीक। तो देखो, एक पेज मैंने खोल के रखा है, फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न। अब नई नई चीज़ें सुन के लोग, सर शायद फिर से पैटर्न चेंज हो गया है, खिलौना थोड़ी है पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही पैटर्न है, ये जो मैंने बनाया है ये भी वही पैटर्न बनाया है। फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा, देखो एक एक बात ध्यान से समझ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन अभी भी कन्फ्यूज़न, क्यों ऑनलाइन क्यों होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक। UPBT के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा, सेंटर आपके कॉलेज में नहीं होगा, जो यूनिवर्सिटी है उनका यूनिवर्सिटी में रहेगा, जिनका नहीं है उनका अपना सेंटर जाएगा अलग। फाइनल एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का होगा, क्या होगा, 3 घंटे का, जिसमें से 7 लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे, उसमें से 6 आंसर करना कंपलसरी है, और हर क्वेश्चन के आंसर का जो नंबर होगा वो 5 नंबर का होगा, यानी 6 क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के। शॉर्ट आंसर 11 दिए जाएंगे, जिसमें से 10 आपको करने होंगे, और प्रत्येक आंसर जो होगा उसका जो नंबर होगा वो 3 होगा, मतलब 3 नंबर में वो कंटेंट आपको लिखना है। उसका तीसरा सेक्शन आएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, 1 वर्ड सेंटेंस भी हो सकता है और मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, ठीक। तो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक का 1 नंबर रहेगा। अभी क्या, अगर इतने पे रोक दूं फिर समझो क्या, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मुझे मालूम था अगर ये नहीं बोलता तो अगला यही आता क्वेश्चन आपका, सर निगेटिव मार्किंग है क्या, नहीं है निगेटिव मार्किंग। इस तरह से आपके 80 नंबर और 20 नंबर का आपका कॉलेज का इंटरनल होता है, ठीक। इसी पैटर्न पे मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितने हैं इंपॉर्टेंट है और
खास चीज़ जो मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस एक दो वीडियो में कवर नहीं कर सकते 20-25 में। ये मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे एमसीक्यू यही आएंगे नहीं कहा जा सकता। तो चूंकि आपका जो सिलेबस है जो अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के हुआ करता था, अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को कम्बाइंड कर दिया है। बहुत सारे मेरे चैनल पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, चाहे फार्मास्यूटिक्स के हों, है ना, जो भी टॉपिक आपके हैं ये सब मिक्स हो गए हैं। मतलब दो दो साल का आपको एक साल में लगभग पढ़ना पड़ रहा है। तो वहाँ से एमसीक्यू करते रहो, आप सारे एमसीक्यू देख डालो बहुत अच्छे से और रट डालो। बाकी एमसीक्यू की सेपरेट सीरीज़ भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करूँगा, उसको एग्ज़ाम टाइम पे भी एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा आराम से। ठीक, फिलहाल बढ़ते हैं हम पैटर्न की तरफ, मॉडल पेपर के। इस तरह से रहेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, 3 आवर्स मैक्सिमम टाइम रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स उसका आपके 80 नंबर के रहेंगे। ठीक, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा, आपका किसमें इंग्लिश में आने का संभावना ज़्यादा है, बट इंग्लिश और हिंदी में भी आ सकता है ना, अभी पूरी तरह से ये श्योर नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन पेपर देखा जाए तभी पता चले। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न पे आएगा, ठीक, दोनों पैटर्न पे बनाया जाएगा। और अगर हिंदी इंग्लिश में आता है, कुछ डेटा वेरिएशन होता है, तो जो इंग्लिश में दिया गया है उसी को आप प्रेफरेबल लैंग्वेज मान के अपना आंसर सॉल्व करोगे। किसी भी तरह का पेजर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, बाहर कर दिए जाओगे आप, तो ऐसा कुछ लेके मत जाना। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले लॉन्ग आंसर पे, ये पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है कि पहले एमसीक्यू आ जाए, फिर आपके शॉर्ट आ जाए, फिर लॉन्ग हो जाए, ये कहीं पे डिफाइन नहीं है कि इसी पैटर्न पे होगा, ये ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। ठीक, बस ये फिक्स मान के चलो। एक चीज़ फिक्स है इसमें, वो क्या है कि लॉन्ग में 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ये पक्का है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। ठीक, ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन किस तरह से होंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने चुने हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने का आया, मींस लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड 2.5 नंबर का, और 2.5 नंबर में लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट करना है आपको। ठीक, पढ़ा रखा है मैंने, वीडियो अपलोड देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस सोर्स इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ये भी इम्प्योरिटीज़ के नाम से ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, 5 नंबर का, बहुत आराम से कंटेंट हो जाएगा जो मैंने प्रोवाइड कराया है। जितना मैंने प्रोवाइड कराया है उसके बाहर का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, गर्मी बहुत है आज, है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फीलिंग्स बता रहा हूँ। तो देखो क्या है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, फ़ैन एसी इसलिए नहीं चलाया जाता कि अलग से साउंड ना आए, है ना, ताकि आपको एकदम क्लियर साउंड मेरी मिल सके। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट ए नोट ऑन जनरल एनेस्थेटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट और जनरल एनेस्थेटिक पे क्या है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब बोलोगे सर हमारे में जनरल एनेस्थेटिक नहीं, एनेस्थेटिक्स के नाम से है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, जनरल एनेस्थेटिक, तो आपको जनरल एनेस्थेटिक एक्सप्लेन करना, वही जो मैंने एनेस्थेटिक में पढ़ाया है। क्वेश्चन घुमाता है तो आपको घूमना नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट के बारे में बताना है। ठीक, ये चीज़ आती है कि लिखना कितना है, एंटी डिप्रेसेंट लिखो, ठीक, उसके बारे में इसको डिफाइन करो, फिर क्या करोगे भाई, क्लासिफिकेशन लिख दो। अगर क्लासिफिकेशन नहीं बड़ा है तो एक ड्रग लिखो स्ट्रक्चर आईयूपीएसी वाली, और 2 ड्रग लिख दो बिना स्ट्रक्चर आईयूपीएसी वाले, पूरे 5 नंबर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई अबाउट एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, 5 नंबर में आपको बताना है। इसमें क्या करना है, देखो क्या है, डिफाइन, क्वेश्चन तो केवल इतना बोला है, डिफाइन एंड क्लासीफाई। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफाइन एंड क्लासीफाई अबाउट एंटी न्योप्लास्टिक और एंटीबायोटिक। आपकी नज़र में क्या होगा, थोड़ा सा एंटी न्योप्लास्टिक बता देंगे, क्लासिफिकेशन लिख देंगे। देखो क्या है, मैथमेटिक्स नहीं है कि एकदम ब्रीफ में लिख के चलो, ब्रीफ में लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, नंबर पाने के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। डिफाइन करो भाई एंटी न्योप्लास्टिक, उसका क्लासिफिकेशन लिख दो, एक ड्रग एक्सप्लेन कर दो। एंटीबायोटिक डिफाइन करो,
क्लासिफिकेशन लिखो, कोई भी एक ड्रग एक्सप्लेन कर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, आप देखो कितने नंबर, भाई दो लाइन लिख के आओगे और इमेजिन करो कि उसमें पांच नंबर मिल जाए, ये नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे, सर ऐसा क्यों बताते हो ज़्यादा लिखना है, अगर दो नंबर में पूछा जा रहा तो हम दो ही नंबर में लिखेंगे ना। ये उस केस में होता है जब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर IUPAC पूछा जाए, उसमें ड्रग बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करनी, स्ट्रक्चर बना दो IUPAC लिख दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे थ्योरी बेस्ड होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेंट दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, NSAID, एंटीफंगल ड्रग्स। अब ऐसा मैंने क्यों किया, दो ही दिए हुए फिर भी लिखा है एनी टू। इस टाइप से भी क्वेश्चन मिले हैं मुझे, इस टाइप से भी क्वेश्चन ढूंढने पे मिले हैं, है ना। तो तीसरा सी ऑप्शन तलाशने मत लगना, एनी टू कह दो, सर दो ही तो दिया है आपने, तो दो ही करने हैं, NSAID एंटीफंगल। ठीक वैसे ही हमने जो बताया, डिफाइन करो क्लासीफाई करो एक ड्रग एक्सप्लेन करो, एंटीफंगल डिफाइन करो क्लासीफाई करो एक ड्रग। सोचने में समय ज़्यादा जाएगा, लिखोगे समय इतना नहीं जाएगा, टाइम आराम से मैनेज हो जाएगा, ठीक। छठा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट, एंटी मलेरियल, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, इन पे क्या है शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक। उसी तरह जैसे मैंने बताया, ये तीन दिए हैं, इनमें से कोई दो करना है, बहुत ध्यान से। कई बार होता है बच्चे, उनको होता क्या है, तीनों आते हैं तो खुशी में कि ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है मुझे आता, उस खुशी में तीन के तीनों करके आ जाते हैं। बाद में जब समय कम बचता है और घर आके पेपर देखते हैं तो देखते हैं, अरे यार इसमें तो कोई दो ही करने थे। कुछ केस में क्या होता है, हाइपोग्लाइसिमिक करना शुरू करते हैं, आधा किया फिर याद आया, यार ये तो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, एक काम करता हूँ इसको यहीं छोड़ देता हूँ, एंटी मलेरिया एंटीसेप्टिक डिसइनफेक्टेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइपोग्लाइसिमिक वो आधा करके छोड़ देते हैं और फिर बी और सी एंटी मलेरियल पूरा लिख देते हैं और एंटीसेप्टिक डिसइनफेक्टेंट। ऐसे केस में अगर आप तीनों लिख के आते हो, एग्जामिनर की नज़र में तो यही ना कि आपने तीनों अटेम्प्ट किए हैं, तो जो पहले शुरुआत के दो होंगे वही चेक कर लेगा, तीसरा एग्जामिनर छुएगा नहीं। तो शुरुआत में क्या किया आपने, हाइपोग्लाइसिमिक आधा कर रखा है, आधा नंबर मिलेगा, बात समझे। भले ही एंटी मले, तो ऐसे केस में क्या करो, अगर ऐसा कुछ भी, पहली चीज़ तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चूज़ सही करो। ऐसा होता तो पहले क्रॉस कर दो ऊपर वाला, हाइपोग्लाइसिमिक नहीं मानना भाई, नीचे का दोनों पूरे कंप्लीट कर दो जो आपको आते हैं, ठीक। सातवां क्वेश्चन, राइट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, डायूरेटिक्स, कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट। देखो कैसे करना, क्या करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो सात क्वेश्चन हैं, इन सात क्वेश्चन में कोई छः क्वेश्चन आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियल से सब आते हैं तो सारे करके चले आओ। टाइम बिल्कुल मैनेज करके रखना है इस तरह से कि लास्ट का 10 मिनट थोड़ा रीचेक के लिए जरूर बचा लेना, या भागम भाग वाली स्थिति मत करना। शॉर्ट आंसर की बात करें, इसमें 11 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और तीन तीन नंबर के क्वेश्चन हैं। व्हाट इज एंटी साइकोटिक ड्रग्स, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ क्लोरप्रोपामाइड। क्वेश्चन सीधा सीधा है, एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है उसके बारे में लिखो, सिंपल क्लोरप्रोपामाइड का स्ट्रक्चर IUPAC बना दो, पूरा तीन नंबर मिल जाएगा, ठीक। राइट ब्रांड नेम एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब इसमें ब्रांड नेम और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यानी क्या, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में लिखना है, फेनिटोइन का, फ्रूसेमाइड या फ्यूरोसेमाइड और एट्रोपिन सल्फेट का, ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन है, राइट प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट ए नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। एक एक नंबर का लिखना है, ठीक। सिंपल प्रॉपर्टी लिख दो, यूज लिख दो या सिनोनियम लिख दो, काम हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, नोट ऑन एंटी डिप्रेसेंट विद स्ट्रक्चर IUPAC ऑफ amitriptyline हाइड्रोक्लोराइड। अभी मैंने एक दो दिन पहले भी कुछ कार्बामेजिपिन का, एमिट्रिप्टिलीन का, इमिप्रामिन का, है ना, इनके स्ट्रक्चर कंपैरिजन करके बताए थे जो एक जैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअली एक जैसे नहीं होते हैं। तो वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एंटी डिप्रेस सिंपल बता रहा है, एंटी डिप्रेसेंट के बारे में लिख दो थोड़ा सा, फिर स्ट्रक्चर IUPAC एमिट्रिप्टिलीन का बना दो और IUPAC लिख दो, ठीक, तीन नंबर मिल जाएंगे पूरे। छठा क्वेश्चन बोलता है, राइट ए नोट ऑन हिमैटिनिक्स, एक्सप्लेन द फेरस अमोनियम सिट्रेट।
फेरस अमोनियम सिट्रेट को एक्सप्लेन करना और हेमेटेनिक्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, 3 नंबर का लिखना है, उसके बारे में डिफाइन करो, क्लासीफाई करो, एक एक ड्रग कोई छोटी सी एक्सप्लेन कर दो। एंटी मलेरिया ड्रग पे शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक उसी तरह से सल्फोनामाइड लिखना है क्या होता है विद एग्जाम्पल, ठीक एग्जाम्पल लिखना है, ओक्को ट्राइमोक्साजोल को एक्सप्लेन कर देना है। 10वां क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटी लेप्रोटिक ड्रग, कौन सा है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। अब कहोगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग नहीं है, डैप्सोन पढ़ा है आपने और डैप्सोन क्या है एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, इसी तरह घुमा के पूछ लेते कभी कभी। ओके, नेक्स्ट कार्डियोवेस्कुलर ड्रग पे शॉर्ट नोट लिखना। देखो ये 11 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, तो शुरू में पहला काम क्वेश्चन पेपर को बहुत बारीकी से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दे के क्वेश्चन पेपर को देख लो, पढ़ लो और टिक कर लो पहले से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। इमीडिएट टाइम मैनेजमेंट करो, किस क्वेश्चन पे हमको कितना टाइम लगाना है, ठीक। फिर लास्ट सेक्शन आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है लेप्रोसी ड्रग यूज्ड, लेप्रोसी में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, फाइसोस्टिग्मिन, डैप्सोन, सेलेजिलीन, बाइपेरिडिन, तो कौन सी है डैप्सोन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड डोनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर, प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन या नन, तो कौन सी है प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। देखो क्या है ऑब्जेक्टिव में हमेशा ध्यान रखो कि ऑब्जेक्टिव हमेशा याद हो जाते हैं, एक दो बार जब आप वीडियो देखते हो तो ऑब्जेक्टिव याद होते हैं। सबसे आसान तरीका जो ना पढ़ने में समझ में आए जैसे ब्रांड नेम, उनके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा देखो, है ना। कुछ वीडियो मैं सिर्फ ब्रांड नेम पे बनाऊंगा और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पे बनाऊंगा। इफ द पीएच ऑफ ब्लड फॉल्स बिलो 7.3 द कंडीशन इज टर्म एज, देखो क्या है 7.3 से कम हो रहा है, जब कम होगा तो क्या एसिडिक साइड में ज़्यादा भागेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बस कम हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं 7 से 8 नहीं हो रहा है, 7 से 5 की तरफ भाग रहा है या 7 से 0 की तरफ भाग रहा है, तो क्या हो जाएगा एसिडोसिस। चौथा क्वेश्चन है लॉफिंग गैस इज नोन एज, लॉफिंग गैस ऑप्शन में क्या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या नन, तो सही आंसर क्या है नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं मेडिसिनल गैस, ये क्या है एनेस्थेटिक का भी काम करती है और इसी को लॉफिंग गैस बोलते हैं। यूज ऑफ एट्रोपीन टू ट्रीट पार्किंसोनिज्म, स्मॉल डोज, इन स्मॉल डोज सीएनएस स्टिमुलेंट ड्यू टू एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी, तो जाहिर सी बात है एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी होती है, पार्किंसोनिज्म का ट्रीटमेंट होता है, स्मॉल डोज में सीएनएस स्टिमुलेंट का काम करता है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। यूज ऑफ प्रोपेरानोलोल टू ट्रीट एक्यूट राइनाइटिस, हे फीवर, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया, गैस्ट्रिक ड्यूओडेनल अल्सर, एनेस्थेटिक, प्री मेडिकेशन, तो जाहिर सी बात है प्रोपेरानोलोल क्या है कार्डियक अरिथमिया के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। 7वां क्वेश्चन ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रिन, तो देखो सबको सारे के सारे ऑप्शन, देखो एक बेसिक रूल बना लो मल्टीपल चॉइस में, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, चाहे जितना अच्छे से आता हो चारों क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है, ठीक। ये क्यों बोल रहा हूँ, कभी फंसोगे तो जरूर समझ में आएगा, या मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं एमसीक्यू में बहुत सारे एमसीक्यू हैं, अगर सारे पढ़ लिए तो कोई एमसीक्यू बाहर का नहीं आने वाला, ठीक। सेपरेट 2-4-6 एमसीक्यू के और डाल दूंगा मैं, 50-50, 20-20 करके, उतने पढ़ लोगे एमसीक्यू आपका पूरा हो जाएगा, ये 20 नंबर बहुत मैटर करते हैं, ठीक। 20 नंबर एमसीक्यू के अगर आ गए तो फिर कितने, 4 नंबर ही तो एक्स्ट्रा लाना है थ्योरेटिकल में भाई, 24 ही तो लाने, 16 आपके कॉलेज से आ रहे हैं, 24 इधर 16 24 कितने 40 हो गए, पास हो गए आप, तो एमसीक्यू पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो सही आंसर क्या है कोल्डरिन, IUPAC नाम ऑफ प्रोपेरानोलोल, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ऐसे केस में आपको क्या है प्रोपेरानोलोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद जब ड्रॉ करके देखोगे तो मैच करो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच इज नॉट इन अ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग,
एंटी ट्यूबरकुलर आप देखो, मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई है कि कैसे आपको फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन याद करना है। तो आइसोनियाजाइड की जो ड्रग है वो एंटी ट्यूबर को, वो सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर नहीं है। डीडीएस इज, डीडीएस क्या है? डीडीएस डाइफोन है, नोवोफोन है, या डेप्सोन है, या ऑल है। तो ये तीन के तीनों क्या है? ब्रांड नेम है काहे के, डेप्सोन के। तो डीडीएस को क्या बोलते हैं? डेप्सोन। ठीक, आईयूपीएसी नेम ऑफ सल्फासिटामाइड। ऐसे केस में आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे तो 4-aminophenyl सल्फोनिल एसिटामाइड, ये इसका क्या है? आईयूपीएसी है। फिर क्या भाई? आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है भाई? पायरोल, पायरोलिडीन, पाइपराजीन या एजीरिडीन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्या है सही आंसर? एजीरिडीन जो है आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई? पाइपराजीन, पिरिडीन, पिरिमिडीन या पायराजीन। तो ये क्या है? पायराजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, 1-4 पोजिशन पे है, 1-2-3-4 पोजिशन पे जब नाइट्रोजन लगा है तो क्या है? पायराजीन। यही 1-3 पोजिशन पे हो जाता तो क्या हो जाता? पिरिमिडीन हो जाता, और एक नाइट्रोजन रहता तो क्या हो जाता? पिरिडीन हो जाता। ठीक, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है? थायोसिटाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोसरीन। तो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। नेक्स्ट है एजा प्रफिक्स यूज्ड फॉर। एजा प्रफिक्स किसके लिए? सल्फर के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए करते हैं, या नन? तो एजा प्रफिक्स जो है वो नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं। ठीक, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं। एजा की बात करें तो नाइट्रोजन, सल्फर का केस आएगा तो थाया, ऑक्सीजन का केस आएगा तो ऑक्सा, फास्फोरस आ जाएगा तो फास्फा। ठीक, तो एक में ही 4-5 एमसीक्यू हमने करवा लिए। एंटी फंगल एजेंट की बात करें, यूज ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोडर्मेटाइटिस, सोरेसिस, कैंडिडियासिस। तो ये सारी की सारी जो डिजीज़ हैं वो क्या है? फंगल डिजीज़ हैं। तो एंटी फंगल एजेंट या एंटी फंगल ड्रग है, इन सब के ट्रीटमेंट, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। डेंटल कैरीज जो होती हैं उनका मेडिकल टर्म क्या होता है? क्लीनिंग एक्शन होता है, पॉलिशिंग एक्शन होता है, या टूथ डिके होता है? तो सी आंसर हमारा सही है, टूथ डिके होता है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड इज सॉल्यूशन। क्या है भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड? एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, हाइड्रो एल्कोहलिक है, एक्वस है या नन है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैजेट ऑपरेटस यूज्ड फॉर। ये आयरन लिमिट टेस्ट, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, या क्लोराइड लिमिट टेस्ट। तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में यूज होता है गैजेट ऑपरेटस, जब आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पढ़ाया था। कुछ बच्चों ने बोला कि उसका जो लिखा हुआ है वो क्लियर कम दिखता है, तो मैंने कई बार बताया कि 480 पिक्सल पे देखो एकदम क्लियर दिखेगा, या जरूरत हो तो सेटिंग में जाके थोड़ी सी 720 पिक्सल के आसपास देख लो, एकदम साफ साफ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन का क्या यूज है भाई? मायस्थीनिया ग्रेविस में, मिड्रियासिस, सिडेटिव, या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो जो नियोस्टिग्मिन होता है वो मायस्थीनिया ग्रेविस की डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इस तरह से केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर ख़त्म होता है। ठीक, और भी मैंने बताया ना, एग्ज़ाम से पहले 3-3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी सब्जेक्ट के भी। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ और टॉपिक पहले पढ़ने हैं, जो कुछ भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, शेयर और सब्सक्रिप्शन बढ़ाते जाओ, मैं आपके लिए कंटेंट इसी तरह बढ़ाता जाऊँगा। ओके।